Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 22nd November 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at Words IS. Link aapko description box mein provided hai. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, यह आपके लिए छोटी सी यहाँ पर अपडेट आ जाती है. फर्स्ट विजुअल्स ऑफ 41 पर्सन ट्रैप्ड इन टनल इमर्ज. अब यहाँ पर क्या हुआ, आप सभी को पता है कि जो हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल है जिसका नाम है सिलकाया टनल. ओके, सिल्क कयारा टनल. तो यहाँ पे 41 जो वर्कर्स हैं वो क्या हो गए हैं, फंसे हुए हैं. अब उनको यहाँ पर ट्रैप्ड हैं जो भी, तो उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला रहा है. अब यहाँ पर भी एक्चुअली हुआ ये है कि कैमरा वगैरह इम्पोज किए गए हैं यहाँ पर, और जिसकी वजह से हमें पता चला कि अभी जो वर्कर्स हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं. उन्हें यहाँ पर जो भी मतलब सप्लाईज है, फूड आइटम्स हैं और फ्रूट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सप्लाई की जा रही हैं. और यहाँ पर मतलब कि उन्हें कैसे रेस्क्यू करना है, इसका भी ड्रिलिंग रिज्यूम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू हैं कि हम क्या कर सके उन वर्कर्स को, यहाँ पर जितने भी ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, 41 पर्सन यहाँ पर ट्रैप्ड हैं, तो उन्हें हम क्या कर सके, रेस्क्यू कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट ब्रिस्क समिट शी इज कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा. अब गाजा और इसराइल और पैलेस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी हाल ही फिलहाल में ब्रिस्क की एक वर्चुअल समिट हुई है. किसकी, ब्रिस्क की यहाँ पर एक वर्चुअल समिट हुई है. तो यहाँ पर जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया पैलेस्तीन इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, उसमें अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए. और जितने भी यहाँ पर हॉस्टिलिटीज कंटिन्यू हैं, ये सारी चीज़ें अब कैसी होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए, सस्पेंड होनी चाहिए. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो सिविलियंस है उनको नुकसान हो रहा है. अगर सीज फायर नहीं होता है तो एक तरीके से क्या होगा, ये जो कन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा. क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं उनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है. तो द सप्लाई ऑफ वाटर, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी मस्ट ऑल्सो बी रिस्टोर्ड इन द पैलेस्टीन इनक्लेव विच हैज बीन बैटर्ड बाय इजरायली बॉम्ब्स. तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि अभी पैलेस्तीन में क्या है, सारी चीजें ना तो वाटर की सप्लाई हो रही है, ना किसी एनर्जी की सप्लाई हो रही है, ना ही किसी इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर सप्लाई हो रही है. तो इसी के चलते ये कहा है कि जो अभी ये ऑपरेशन चल रहा है इसराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट, यहाँ पर इमीडिएट सीज फायर क्या होना चाहिए. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स. अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, ज्यूरिडिक्शन है. ज्यूरिडिक्शन मतलब किस बेसिस पर होता है, एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि वो क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है. एक होता है आपका अपेलेट ज्यूरिडिक्शन. अपेलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील की, उस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, यहाँ पर उस केस की सुनवाई करती है. उसके बाद होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब कि कोई भी केस आता है तो डायरेक्टली वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कॉल कर सकती है कि हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्या करेंगे, यहाँ पर केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सुनवाई की जाएगी. लास्ट होता है आपका रिट ज्यूरिडिक्शन. रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर आपके जो 5 रिट्स होते हैं, है ना, हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, तो इन रिट्स के थ्रू क्या होता है, जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसे हम रिट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं. तो हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. अगर यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो ये जो पावर है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो पावर है वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंडर आती है, एडवाइजरी के अंदर, अपेलेट ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या फिर रिट ज्यूरिडिक्शन. तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड. अब आप सभी को पता है कि 1905 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन बंगाल का पार्टीशन यहाँ पर करते हैं. लेकिन ये जो पार्टीशन होता है कितने दिनों तक कंटिन्यू रहता है, ये हमें बताना है. तो आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है. पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वॉज एंडेड. मतलब आपका जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिश कंट्री होती है, तो उनको इंडियन ट्रूप्स की जरूरत होती है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इसी के चलते फिर क्या होता है, जो पार्टीशन होता है बंगाल का वो यहाँ पर खत्म हो जाता है
सेकेंड ऑप्शन है आपके पास किंग जॉर्ज वी एप्रोक्रिएटेड कर्जन्स एक्ट एट अ रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो किंग जॉर्ज वी हैं वो क्या करते हैं, ये जो लॉर्ड कर्जन का एक्ट था मतलब 1905 में जो पार्टीशन किया था उस एक्ट को एब्रोकेट करते हैं और रॉयल दरबार में दिल्ली में इन 1911 में, मतलब कि 1911 को दिल्ली में रॉयल दरबार में किंग जॉर्ज वी यहाँ पर लॉर्ड कर्जन का जो एक्ट था उसको एब्रोगेट यहाँ पर कर देते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन है गांधी जी लॉन्चेस हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये या पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लास्ट है आपका द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन द ईस्ट बंगाल बिकेम ईस्ट पाकिस्तान। तो आप सभी को पता है जब यहाँ पर इंडिया का पार्टीशन होता है इन 1947 तब ईस्ट बंगाल जो होता है इट बिकेम्स ईस्ट पाकिस्तान। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये कब तक चला, मतलब कब इसमें चेंजेस आए। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अलार्मिंग काउंटडाउन। देखिए यहाँ पर यह आर्टिकल हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है और नेक्स्ट हमारे पास ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों आर्टिकल यहाँ पर एक दूसरे से लिंक है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, आज एक्चुअली मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम बात करें किसकी, कि ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि अलार्मिंग काउंटडाउन। जैसे आप सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ रहा है और 2023 में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड। मतलब कि अब तक हमने क्या क्या रिकॉर्ड्स को ब्रोक किया है, कितने रिकॉर्ड्स यहाँ पर ब्रेक हमारे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 2023 में हमारा क्या रहा है, सबसे हॉटेस्ट ईयर ये रहा है। क्या रहा है, सबसे हॉटेस्ट ईयर यहाँ रहा। सितंबर की बात करते हैं, सितंबर में हमारा सब जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था। उसके बाद हम अक्टूबर की बात करते हैं, अक्टूबर में भी यहाँ पर जो टेम्परेचर था ग्लोबल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी नेशंस हैं उन्हें यहाँ पर जो जीरो कार्बन एमिशन है, नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसकी तरफ आगे बढ़ना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है इसको रोक पाएंगे और ये जो कंटिन्यूसली ग्लोबल स्टेटस आपका बढ़ रहा है वो उसको भी हम रोक पाएंगे। अगर हमने यहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, जो कार्बन का एमिशन है, फॉसिल फ्यूल का जो एमिशन है, इसको नहीं रोका तो पॉसिबली यहाँ पर जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री, ऑलरेडी हम इस टारगेट को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डिकेड हम 1.5 डिग्री का जो हमारा टारगेट है उसको तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ जाएंगे। और जो हमारा 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है कि इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ना बढ़कर 2.5 डिग्री और 2.9 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। और अगर अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है तो इसके इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेंगे और ऐसे इम्पैक्ट होंगे जिसको आप फिर से रिवर्स नहीं कर सकते। क्या क्या इरिवर्सिबल इम्पैक्ट होंगे, जैसे कि सबसे बड़ा जो होगा आपका ग्लेशियर मेल्ट होंगे, इससे क्या होगा, आपका जो सी लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। सी लेवल इंक्रीज़ होगा तो ग्लेशियर का जो इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। उसके साथ साथ जो सी की बात करते हैं, ओशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ओशनिक लाइफ है, मैराइन इकोसिस्टम है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब होगा। साथ साथ यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ होगा तो इसके साथ साथ आपका जो फूड इनसिक्योरिटी है वो यहाँ पर हाई होगी। फूड इनसिक्योरिटी के साथ साथ अगर हम बात करें तो और कौन सी चीज़ें आ जाती, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी तो मतलब न्यूट्रिशन की यहाँ पर कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी हुई मतलब कि यहाँ पर हेल्थ और से रिलेटेड आपके इश्यूज आएंगे और हम कह सकते हैं जितनी भी डिसीज़ होती हैं यहाँ पर आपके और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेंगे। तो देखिए एक चीज़ होने से यहाँ पर कितने सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिंक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो रिचेस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने क्या कर चुका है, अपना एमिशन कर चुका है, तो उन्हें अब क्या करना होगा, फोकस करना होगा कि जो ये हमारा अर्थ का टेम्परेचर है अभी तक 86 डेज में, ये कहा गया अक्टूबर में कि एज ऑफ अक्टूबर दिस ईयर 86 डेज वर रिकॉर्डेड विद टेम्परेचर ओवर 1.5 डिग्री सेल्सियस अव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो यहाँ पर अक्टूबर तक में ये देखा जाए तो अक्टूबर तक में हमें हमारे 86 डेज ऐसे रहे हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 1.5 डिग्री से, ग्लोबल टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा ही था। ठीक है, एवरेज यहाँ पर 1.8 डिग्री सेल्सियस कहा जा रहा है। सो रिचेस्ट कंट्रीज एंड दोज हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल स्पेयर्स एटमोस्फेरिक कैपेसिटी
यूनिवर्सिटी फॉर कार्बन मस्ट कमिट टूगेदर एंड फास्टर रिडक्शन. तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो रिचेस्ट कंट्री हैं, जो हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो उन्हें यहाँ पर एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हमें फास्टेस्ट और ग्रेटेस्ट वे में यहाँ पर क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन यहाँ पर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ. अब देखिए, दोनों आर्टिकल यहाँ पर आपस में लिंक है. आप सभी को पता है कि दुबई में आपकी जो किसकी बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2000 आपका जो है ये मीटिंग होने वाली है. अठे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपका जो COP28 है, ये कहाँ होने वाला है, दुबई में होने वाला है. ठीक है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए. क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेजी से हो रहा है और इसके जो इररिवर्सिबल इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ पर हो रहा है. कैसे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा मतलब कि टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा. टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा तो जैसे कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम साइक्लोन की बात करते हैं, ब्रीफ में मैं इस आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करती हूँ. उसमें यही सारी चीज़ें बताएगी कि साइक्लोन यहाँ पर होगा, आपका फ्लड जैसी एक्टिविटीज़ होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, कहीं कहीं पर जो है बारिश ही नहीं होगी, कहीं कहीं पर जो रेनफॉल होगा आपका बहुत ही ज्यादा हाई होगा. तो इससे क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्लड का, किसका, फ्लड का एग्जांपल लेते हैं. फ्लड जहां पर भी आया, इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, फ्लड के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी इमर्ज होकर आते हैं. और जैसे जैसे टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ये जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको एक एनवायरमेंट मिल जाता है कि वो सर्वाइव करने लगते हैं. अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको मॉस्किटो मिले कहाँ, हिमालयन स्टेट में, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हिमालयन स्टेट में आपको मॉस्किटोज यहाँ पर देखने को मिल रहा है. जो पैथोजन्स की यहाँ पर वर्लेंस एक्टिविटी है हीट को अल्टर करने के कारण, जो उनकी हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटी है टू सर्वाइव, वो क्या हो रही, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. और ये डायरेक्टली किसको हमारा इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है. उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, लाइक आप कह सकते हैं हमारी जो मेंटल हेल्थ है, पोअरली मैनेज्ड हमारा जो इंडिया में है, हम बात करें हीट, यहाँ पर स्पेशल फिजिकल एक्सर्शन है, डिहाइड्रेशन है आपका, लेबर्स में यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ लेबर्स है, किडनी इंजरीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ये सारे इंडिया में क्या हो रहा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा. क्रॉनिक डिसीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी जो पल्मोनरी क्रॉनिक डिसीज़ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. इसी के साथ साथ जैसे कि एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, आपके लंग्स में इफेक्ट पड़ रहा. लंग्स के साथ साथ हमारा जो हार्ट है, क्रॉनिक डिसीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ से हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, वो उनकी जो कंडीशन है क्लाइमेट चेंज के कारण और ज़्यादा क्या हो रही है, ख़राब हो रही है. क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिस्टम है हमारा, पहले हम बात करते हैं जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, इंडिया बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर अर्बनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं इन अ अनप्लान्ड मैनर. मतलब कोई प्लानिंग नहीं है हमारी कि हमें अर्बनाइजेशन की तरफ कैसे मूव करना है. तो जैसे कि हम अर्बन ग्रीनरी की बात करते हैं, ओपन स्पेस जो हमारे हैं, यहाँ पर कोई भी अर्बन ग्रीनरी नहीं है. जैसे कि अर्बन ग्रीनरी, अर्बनाइजेशन में अर्बन ग्रीनरी आपकी होनी चाहिए कि अगर रोड है, हम घर बना रहे हैं, तो सिटीज़ में यहाँ पर कितने ज़्यादा पेड़ होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए. उसके साथ साथ जो हमारी रोड्स हैं वो भी कैसी होती जा रही है, यहाँ पे स्पेस फील्ड है, यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग से बिल्डिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोई भी यहाँ पर एयर सर्कुलेशन का आपको सिस्टम नज़र नहीं आता है. तो ये क्या कर रहा है, ये जो अर्बन प्लानिंग है वो भी हमारे हेल्थ को क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आपका अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब कि अर्बन के आसपास का जो एरिया है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. क्योंकि जो हीट है वो कंक्रीट में क्या होती जा रही, ट्रैप होती जा रही है. और ट्रैप होती है तो रात में अगर हम देखेंगे, वो हीट क्या होती है, आपकी बाहर निकलकर आती है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, वो और ज्यादा क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. तो इसी से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज पुट फर्दर प्रेशर ऑन द वीक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी सफरिंग द इल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. अर्बन प्लानिंग दैट डिस्करेजेस फिजिकल एक्टिविटी एंड वर्क रिलेटेड एंड कल्चर स्ट्रेस. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ मिटिगेशन, हमारा जो एक्शन होना चाहिए क्लाइमेट चेंज पे वो ग्लोबल और रीजनल लोकल लेवल पर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ कंट्रीज ही यहाँ पर एक्शन लें और बाकी कंट्रीज यहाँ पर एमिशन करती रहे. तो एक्शन यहाँ पर किस बेसिस पर होना चाहिए, ऑल लेवल, ग्लोबल लेवल पर भी होना चाहिए, आपका नेशनल लेवल पर भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकल लेवल है
है ना। आप लोकल लेवल पर देखिए, वहाँ पर भी हमें क्लाइमेट चेंज एक्शन की ज़रूरत है और कंट्रोल की ज़रूरत है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को अभी एड्रेस नहीं करते हैं, इसको मैनेज नहीं करते हैं, तो इससे जो हमारी हेल्थ सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ इंडिया जापान कन्वर्ज इन अ साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए, इंडिया और जापान साउथ ईस्ट एशिया में कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं, इसमें तीन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन कौन सी वो तीन कंट्रीज़ हैं, आप मैप देखेंगे, यहाँ पर आपका इंडिया जाता है, ये है आपका इंडिया। उसके बाद हम चाइना की बात करते हैं, ये है हमारा फिलीपींस। ओके, ये फिलीपींस है और ये है जापान। अब देखिए, यहाँ पर पहले ये कहा जा रहा कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये हम आशियन साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर चाइना की जो इमर्जेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। सो अभी इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड जियो पोलिटिकल कंसर्न्स द फिलिपिन इज नाउ रीडायरेक्टिंग इस अटेंशन टू जापान एंड इंडिया एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर जो अभी बहुत सारी जो चाइनीज़ के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, इसी के चलते, और जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं इसी के चलते फिलीपींस अब क्या कर रहा है, जापान और इंडिया के साथ, मतलब उनका जो अटेंशन है जापान और इंडिया के साथ फॉर डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, उसको लोग क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ कोलैबोरेशन करना है, जापान के साथ और इंडिया के साथ, ठीक है, क्योंकि इस रीजन में अगर सबसे बड़ा जो हमारा थ्रेट है वो कौन है, यहाँ पर चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कंट्रीज़ क्या हो रही हैं, आपस में आ रही हैं, स्पेशली हम बात करते हैं किसकी, फिलीपींस की। तो फिलीपींस यहाँ पे कोलैबोरेशन करना चाहता है किसके साथ, इंडिया के साथ और जापान के साथ। ऐसा नहीं कि पहले हमारे साथ इनकी कोलैबोरेशन नहीं है, हम वेरियस जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया जापान की, सबसे पहले हम इंडिया जापान की बात करते हैं। सो इंडिया एंड जापान आर स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी देखें तो दिल्ली एंड टोक्यो कॉन्स्टेंटली इंगेज इन वेरिड प्लेटफॉर्म। हमारे यहाँ पर रेगुलर बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, 2+2 मीटिंग्स होती हैं, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि हमारा क्वाड हुआ, G20 हुआ। तो इंडिया और जापान तो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनर है। तो यहाँ पर अब फिलीपींस भी ऐड होना चाहता है कि फिलीपींस, जैसे कि बहुत सारे, क्योंकि इस यहाँ पर इस रीज़न में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो इस टाइम पर कौन है, चाइना है। चाइना किसी भी रूल्स को यहाँ पर नहीं फॉलो करता है, तो इसी के चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो फिलीपींस है वो क्या करना चाहता है, बिटवीन द फिलीपींस एंड इंडिया हैज़ विटनेस नॉट वर्दी एडवांसमेंट एस माल्या इज नाउ मोर विलिंग इन कॉपरेटिंग न्यू दिल्ली इन स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पर फिलीपींस स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक जो बायलेटरल रिलेशनशिप है बिटवीन फिलीपींस के बाद में, अभी जो फिलीपींस के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी थे वो यहाँ पे इंडिया की विजिट में आए थे, जहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस। इसके साथ साथ हम यहाँ पर इन कोऑपरेशनेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं और इसे इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। तो एट द एंड ये भी क्या है कि हमारा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिलीवरी है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यहाँ पर इस साल तक हो जाएगा। सो दस जापान एंड इंडिया ब्लास्टर इंगेजमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया कॉम्प्लीमेंट द इंटरेस्ट ऑफ रेसिडेंट कंट्रीज लाइक द फिलीपींस टू लेसन देयर सस्पेक्टेबिलिटी टू चाइनाज एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक क्लाउड एंड डीपनिंग पावर प्रोजेक्शन एंड कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर जो चाइना की कदम, आपके जो चाइना के एक्शन है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे हमें कैसे डील करना है, और जो इंडिया और जापान का जो इंगेजमेंट है वो साउथ ईस्ट एशिया में और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंगेज हो रहा है, इससे हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक लेसन है कि हम यहाँ पर भी क्या है, हम इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हम चाइना को क्या कर सकते हैं, एक कॉम्पिटिशन पोज कर सकते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली एज इंडिया इज सिग्निफिकेंटली डीपनिंग द ब्रॉडनिंग इट्स टाइज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज द फिलीपींस, न्यू दिल्ली शुड कंसिडर टेकिंग इट्स थर्ड कंट्री डेवलपमेंट एंड मॉडल विद टोक्यो इन टू द सब रीजन ऑफ द ग्रेटर इंडो पैसिफिक एट अ टाइम वैन रेसिडेंट कंट्रीज आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया और जापान एक अल्टरनेटिव सोर्स की तरह आ रहे हैं। जापान के साथ तो ऑलरेडी इनके रिलेशन है ही, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, इंडिया भी क्या बन रहा है, एक अल्टरनेटिव सोर्स बन रहा है, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए ये आर्टिकल भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। अभी हमने क्लाइमेट चेंज की बात करी, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस की। सो यहाँ पर OECD की रिपोर्ट आई है। OECD क्या है आपका,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो इसमें मिली ये क्या है, ये आपकी जो रिच कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है जिसमें यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये सारी कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड है. तो इनकी अभी एक रिपोर्ट आई है, द रिपोर्ट सजेस्ट अदर्स टू पीक इन टू देयर आइडिया क्लाइमेट फाइनेंस अहेड ऑफ द COP28 क्लाइमेट टॉक्स इन द यूनाइटेड यूएई नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक से क्या होने वाली है, आपकी COP28 की क्लाइमेट टॉक्स स्टार्ट होने वाली है. इससे पहले ये कहा जा रहा है, इसकी रिपोर्ट जो आई है OECD की, उसमें ये क्या है कि हमें जो हमारा क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो आइडिया यहाँ पर कितना सक्सेसफुल रहा है. अब तक अगर हम OECD की रिपोर्ट में ये आपका शो किया गया है कि हमारा जो टारगेट था कि 2022 तक हम $100 बिलियन क्या करेंगे, यहाँ पर डोनेट किया जाएगा, आपका जो क्लाइमेट फाइनेंस होगा वो कितना होगा, $100 बिलियन. लेकिन रिपोर्ट में ये शो हुआ है कितना हुआ, 73.1% डॉलर 2021 में अब तक मोबिलाइज हुआ है, ओके, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, और 49.6 बिलियन डॉलर वॉज प्रोवाइडेड एज अ लोन. इसमें से 49.6% है वो एज अ बिलियन डॉलर यहाँ पर लोन की तरफ प्रोवाइड किया गया. सो टू मीट द स्केल ऑफ द चैलेंज पीपल लाइक द US क्लाइमेट इनवॉय रूटीनली इम्फेसिस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कुड प्ले. तो यहाँ पर जितने भी ये हमारे चैलेंजेस हैं उनसे मीट करने के लिए US के लोग ये कह रहे हैं, एक तरीके से US ये कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए फाइनेंसिंग में, तभी हम क्या कर पाएंगे. जैसे कि ग्लोबल फाइनेंस का ये आइडिया आया कैसे, जैसे कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो हाउ मच द क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ लोन, वॉट डज द न्यू एंड एडिशनल फाइनेंस क्लॉज इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मी, वाई डू रिच कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज वॉन्ट टू कीप द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस बिग. तो यहां पर क्लाइमेट जितने भी रिच कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस का जो डेफिनेशन उसको वेग क्यों रखना चाहती है, इसका मेन रीजन ये है कि उनको पैसा देना पड़ रहा है. अब उन्होंने एमिशन कर लिया लेकिन उसके जो एडवर्स इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा किसको फेस करने पड़ रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. अब उनसे ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है उसे कम करिए, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करिए, क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है. लेकिन एमिशन पहले किसने किया, आपने किया, और रिस्पॉन्सिबल कौन है क्लाइमेट चेंज के लिए, यहाँ पर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. तो हम यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल को कहते हैं कि इसको चेंज करके हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके साथ साथ इसके लिए हमें यहाँ पर फाइनेंस की ज़रूरत है. तो ये पैसा हमारे पास कहीं से मतलब पेड़ों में तो उगेगा नहीं. तो आपको क्या करना चाहिए, हमें कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी तक इतना एमिशन भी नहीं किया जितना हमें उसका नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है. तो ये यहाँ पर आ जाता है. अब हम OECD के बारे में देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो ये क्या ओरिजिनेट होता है आपका 1948 में. इसमें OECD, पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन आपका यहाँ पर होता है. OECD वॉज रीनेम्ड एज, पहले ये 1948 में कैसे ऑर्गेनाइज होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन की तरह. उसके बाद 1961 में इसका जो नाम होता है उसको रीनेम किया जाता है, जब इसमें USA और कैनेडा इसको ज्वाइन करते हैं एज अ ब्रॉडर मेंबर. उसकी बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर का है आपका पेरिस और फ्रांस में. टोटल मेंबरशिप की बात करते हैं 36 नहीं, ये इंक्रीज होकर अब एट प्रेजेंट 38 यहाँ पर हो चुका है. इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज अ की इकोनॉमिक पार्टनर है. इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो इनके द्वारा रिलीज होती है, सो गवर्नमेंट एट अ ग्लांस 2017 रिपोर्ट, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स, ये रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज की जाती है. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट पॉलिसीज दैट विल इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. तो इनका ये है कि ये पॉलिसीज़ को प्रमोट करते हैं जिससे कि अराउंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक और सोशल बींग को वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. ओवर द ईयर OECD हैज़ रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन मल्टीपल कंट्रीज़. यहाँ पर OECD की हेल्प से क्या हुआ है, जो मल्टीपल कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो यहाँ पर रेज हुए हैं. द स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड, ये क्या करता है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और वर्ल्ड ट्रेड को स्टिमुलेट करने की कोशिश करता है. मेंबरशिप की जैसे हमने बात करी, एट प्रेजेंट यहाँ पर 38 मेंबर्स हैं. कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंबर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका,
डेनमार्क, इस्टोनेशिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इसराइल, इटली, जापान, साउथ कोरिया. सो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 38 कंट्रीज हैं. ओके, सो अलॉन्ग विद यू मेंबर स्टेट यूरोपियन कमीशन पार्टिसिपेट इन OECD's एक्टिविटीज. तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन कमीशन के साथ क्या करते हैं, जितने भी OECD's की एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू द एडॉप्शन पूल. अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप उन बच्चों को आइडेंटिफाई करिए, मतलब कि जैसे कि ऑर्फन वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होता है कई बार जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को छोड़ जाते हैं और उनसे मिलने के लिए साल साल, मतलब एक साल हो गया, दो साल हो गया, उनसे मिलने के लिए आते ही नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे बच्चों की पूरी लिस्ट बनाइए, उन्हें आइडेंटिफाई करिए जिनके पेरेंट्स उनसे मिलने नहीं आते हैं, और उन्हें जितने भी आपके जो अनफिट पेरेंट हैं, अनफिट गार्जियन हैं, उनकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं. सो वॉट इज़ अनफिट गार्जियन? एज सम वन हु इज़ अनेबल टू अनविलिंग टू पेरेंटिंग, मतलब कि वो पेरेंटिंग नहीं करना चाहते हैं, पेरेंट नहीं बनना चाहते थे, और या फिर कुछ वो ऐसी एक्टिविटी में इंगेज है लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, ओके, या फिर जो चाइल्ड के साथ उनका क्या है बहुत ही उनको नेगलेक्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं किसी के, मेंटली वो अनसाउंड है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें हम अनफिट गार्जियन की कैटेगरी में रखते हैं. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी यहाँ पर अनफिट पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने अभी तक जितने भी आपके जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं उनको विजिट नहीं किया, तो उन पेरेंट बच्चों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उन्हें एक एडॉप्शन पूल में रखना है फॉर द एडॉप्शन, ताकि हम क्या कर सकें बच्चों को यहाँ पर एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकें. ओके, सो द कोर्ट ऑर्डर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू बिगिन अ बाई मंथली ड्राइव टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन इन द ऑर्फन अबैंडन्ड सरेंडर्ड कैटेगरीज इन इंस्टीट्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 7. तो 7 दिसंबर से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द अनफिट पेरेंट. ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं. देखिए अब ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है The power of the Supreme Court of India to decide dispute between the center and the state falls under its original jurisdiction. तो ये किसके अंदर आता है, आपका original jurisdiction के अंदर आता है. आपको ये याद रखना है कि जब center और state का कोई भी मतलब कि issue आता है, so under article 131 of the Indian Constitution, यहाँ पर किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है कि वो क्या कर सकता है कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पर स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है. तो ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पावर के अंडर में आता है. सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. सेकेंड बात करते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन है बी, मतलब कि राइट ऑप्शन इज बी. किंग जॉर्ज वी एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911. तो यहाँ पर क्या होता है आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एज पर कर्जन आफ्टर द पार्टीशन द टू प्रोविंस वुड बी बंगाल इंक्लूडिंग मॉडर्न वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार एंड द अदर वन इज ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम. जब यहाँ पे पार्टीशन कैसे हुआ था, पार्टीशन जैसे कि बंगाल है तो बंगाल में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो टू प्रोविंस थे बंगाल में. पहले क्या था आपका यहाँ पर जो मॉडर्न में अभी वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा और बिहार आ जाता है, और ईस्ट बंगाल में यहाँ पर मतलब ये चीज़ यहाँ पर आएगी और यहाँ पर ईस्टर्न बंगाल और आसाम आता है. फिर 1911 में जो किंग जॉर्ज भी होते हैं वो इंडिया को विजिट करते हैं और जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, मतलब कि यहाँ पर 1905 बंगाल पार्टीशन के द्वारा जब होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने लगता है. तो इसी के चलते फिर क्या होता है, दिल्ली कलकत्ता का जो कलकत्ता पहले कोलकाता था वो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का, उसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं दिल्ली से, और यहाँ पर जो बिहार और उड़ीसा होता है उसको एक सेपरेट प्रोविंस बनाते हैं और आसाम को भी यहाँ पर एक सेपरेट प्रोविंस की तरह क्रिएट करते हैं और ईस्ट और वेस्ट बंगाल को यहाँ पर फिर से यूनाइट किया जाता है. तो ये सारा काम कब होता है, 1911 में, जब लॉर्ड जो किंग जॉर्ज भी है वो रॉयल दरबार इंडिया में यहाँ पर आते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. तो आज इतना ही था, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. हाँ, थोड़ा सा आपको आज का वीडियो शायद पसंद ना आए ड्यू टू माई वॉइस, यहाँ पे वॉइस में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.